वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्थ रेम्बो। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड कब और कितनी बार करवाना चाहिए। मतलब हम अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी का जो शेड्यूल होता है प्रेगनेंसी में उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको डायरेक्टली बताना चाहता हूँ कि प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड लगभग जो होता है वो चार बार करवाना होता है। पहला होता है कि जब शुरुआत में प्रेगनेंसी का पता लगाते हैं, जैसे 4 से 5 वीक्स में। उसके अलावा दूसरा जो होता है 11 से 14 हफ्ते के बीच में। तीसरा होता है 18 से 20 या 22 हफ्ते के बीच में। और उसके बाद जो चौथा अल्ट्रासाउंड होता है वो 24 से 36 मतलब लास्ट स्टेज में जाके होता है। और अगर इन अल्ट्रासाउंड में कोई भी अबनॉर्मलिटी आती है तो हो सकता है कि आपको और भी ज़्यादा अल्ट्रासाउंड करवाना पड़े। अब यदि हम बात करें पहले अल्ट्रासाउंड की, जो 4 से 5 हफ्ते के बीच में करवाते हैं प्रेगनेंसी के लिए, इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि आपकी प्रेगनेंसी सही है कि नहीं है, मतलब ये कंफर्म करता है। साथ साथ में यदि कोई मल्टीपल प्रेगनेंसीज होती हैं, ट्विंस वगैरह होते हैं, तो उनका पता चलता है। साथ साथ में जो बेबीज का जो CRL होता है, मतलब हेड टू बॉटम तक उसकी जो लेंथ होती है, वो पता चलता है। उसके अलावा उसकी हार्ट रेट, और साथ साथ में ये भी पता चलता है कि डिलीवरी वगैरह इसकी की ड्यू डेट वगैरह कब होती है। तो ये इनिशियल और बेसिक अल्ट्रासाउंड पहला होता है। इसमें बेबी का साइज बहुत कम होता है। अब यदि हम बात करें दूसरे अल्ट्रासाउंड की, दूसरा अल्ट्रासाउंड होता है लगभग 11 से 14 हफ्ते के बीच में। इसमें क्या पता चलता है? हार्ट बीट तो पता ही चलेगी। इस अल्ट्रासाउंड करवाने का पर्पज होता है कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज जैसे डाउन, एडवर्ट, पटायू, मोनोजोमी वगैरह पता करना होता है। साथ साथ में ये जो होता है बॉडी का विकास वगैरह सही से हो रहा है नहीं हो रहा, उसके बारे में भी बताता है। तीसरा होता है 18 से 22 हफ्ते के बीच में। ये भी लगभग दूसरे अल्ट्रासाउंड की तरह ही होता है, बट ये इससे भी पता चलता है कि एंटी वैल्यू है या जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ का, इसको फर्दर कंफर्म करने के लिए करवाया जाता है। जो 2 हफ्ते में जो दूसरा वाला जो अल्ट्रासाउंड होता है 11 से 14 में नहीं होता, तो तीसरा ये अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, या 11 से 14 हफ्ते में कोई प्रॉब्लम होती है उसको फर्दर कन्फर्म करने के लिए इस अल्ट्रासाउंड को भी करते हैं। अब चौथा जो अल्ट्रासाउंड होता है वो लास्ट स्टेज में होता है। हो सकता है आपके डॉक्टर आपको कलर डॉपलर वगैरह की भी सहायता या उसका जो है कलर डॉपलर टेस्ट करवाने की भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो होता है इसमें पता चलता है कि बेबी इसका ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा। साथ साथ में ये जो अल्ट्रासाउंड होता है इसका मुख्य कारण होता है एमनियोटिक फ्लूइड के लेवल का पता करना। साथ साथ में ये भी पता करना कि प्लेसेंटा जो है उसकी पोजिशन क्या है, मतलब किस कंडीशन में है, तो इसके बारे में पता चलता है कि अगर उसकी नेक वगैरह में होता है तो डॉक्टर उसी हिसाब से सर्जरी वगैरह जो होते हैं ना वो प्लान करते हैं। अब जैसा मैंने बताया था स्टार्टिंग में, यदि इन किसी चारों अल्ट्रासाउंड में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हो सकता है कि आपके डॉक्टर आपको अन्य अल्ट्रासाउंड करवाने की भी सलाह दे सकते हैं। सो अभी तक हमने इसमें बात करा कि प्रेगनेंसी में सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड कब और कितनी बार करवाना चाहिए। अब कुछ का ये क्वेश्चन होता है कि सोनोग्राफी से कोई नुकसान होता है कि नहीं होता है, या अल्ट्रासाउंड से कोई नुकसान होता है कि नहीं होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड वगैरह से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है, और उसके अलावा जो बच्चे के स्वास्थ्य पर भी कोई इसका असर नहीं पड़ता है। अब यदि हम बात करें कि सोनोग्राफी के क्या फायदे होते हैं, तो सोनोग्राफी के बहुत फायदे होते हैं। जैसे कि यदि पहला बात करें तो सोनोग्राफी से प्रेगनेंसी की बिल्कुल जो एग्जैक्ट जानकारी जो मिलती रहती है कि बेबी का ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसकी हार्ट बीट वगैरह सारी चीज़ें पता चलती हैं। उसके अलावा प्रेगनेंसी के जो स्टार्टिंग में जब अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो ये भी पता चलता है कि जो बच्चे का जो विकास हो रहा है, फीटस का जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो कहीं फैलोपियन ट्यूब में तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर फैलोपियन ट्यूब में होगा तो उससे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, और जिससे माँ के लिए जीवन के लिए पूरा खतरा हो सकता है। उसके अलावा जब हम बात करें कि जैसा हमने बात करी कि उसके हार्ट बीट वगैरह तो उसका साइज वगैरह पता चलता है। उसके अलावा साइज के साथ साथ में उसका डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये भी जो होता है अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है। उम्मीद है आपको अल्ट्रासाउंड के बारे में आज कंप्लीट जानकारी मिल गई होगी कि कितनी बार करवाना चाहिए। उसके अलावा यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। विद दिस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हेल्थ रेम्बो।